वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तंदूरी फिश रेसिपी। बनाने के लिए एक बोल पे मैंने ले लिया है हाफ कप दही, ले रही हूँ चिली फ्लेक्स, नमक स्वादानुसार। मैं यहाँ पे 5-6 पीसेस ले रही हूँ फिश का, उस हिसाब से मसाले बना रही हूँ। मिर्ची पाउडर आपके स्वाद अनुसार, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हो। हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, ऑरिगेनो पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। अगर ऑरिगेनो पाउडर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप अजवाइन भी इस्तेमाल कर सकते हो। तंदूरी मसाला 1/2 छोटी चम्मच। तंदूरी फिश के लिए तंदूरी मसाला ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। रोज़ हम फ़िश फ्राई या फ़िश रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं अपने घर में, एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा, बहुत ही यूनिक और अच्छा होता है खाने में। अब हम एक बड़े से बोल ले लेंगे जिसके अंदर एक छोटा सा बोल हम प्लेस कर देंगे और एक एक करके फ़िश लेके इस तरीके से मसाले में कोट करेंगे और रखते हुए जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो बोल हमने रखे हैं अंदर, उस बोल में हम एक गरम चारकोल लेंगे जिसको प्लेस करेंगे और उसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल दे देंगे। जब धुआं निकलने आएगा तब हम एयर टाइट एक लीड के मदद से बोल को ढक देंगे। जो लीड हम यूज़ करेंगे वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि जो अंदर जो स्मोक हो रहा है वो बाहर ना निकल आए। इससे फिश में एक तंदूरी फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें 30 से 45 मिनट तक इसको रेस्ट में रखना है। हो गया है, अब हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हम बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्मोकी फ्लेवर वाला फिश चाहिए, जिसके लिए हमें फ़िश को थोड़ा सा जलाना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा ऑयल दे देंगे तो फ़िश नॉर्मल तरीके से फ्राई हो जाएगा, तंदूरी फ्लेवर अच्छी तरीके से नहीं आएगा, इसलिए ऑयल का इस्तेमाल हम कम ही करेंगे। दोनों साइड अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई हीट पे। आपको टाइम लग जाएगा 10 मिनट तक। एक साइड हो जाने के बाद हम फ्लिप कर देंगे और दूसरी साइड भी अच्छी तरीके से कुक कर लेंगे। अगर आपके पास चारकोल अवेलेबल नहीं है, आप नॉर्मल से कोई लकड़ी को जला लीजिए, जो अंगारा रह जाएगा उससे आप सेम प्रोसेस कर सकते हो, उससे भी स्मोकी स्मोक फ्लेवर आ जाएगा। देखिए, ढक के अच्छी तरीके से मैंने फ्राई कर लिया है, दोनों साइड अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। और फिर से मैं एक बोल ले लूँगी, चारकोल को गर्म करके इसमें दे दूँगी, थोड़ा सा ऑयल दे दूँगी और एयर टाइट लीड के दौरान मैं कवर कर दूँगी ताकि जो स्मोक है वो अंदर फिश के साथ अच्छी तरीके से मिल जाए और फिश में एक तंदूरी स्मोकी फ्लेवर आ जाए। नॉर्मल फ़िश फ्राई से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। इस तरीके से हम 10 मिनट तक रख देंगे, फिर हम सर्व कर लेंगे सलाद और दही के चटनी के साथ। तो मेरा आज का रेसिपी यही तक था। मैं आशा करूँगी आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करोगे। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकॉन को प्रेस करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए। आज चलती हूँ, कल फिर से आऊँगी कोई एक नई रेसिपी के साथ। मेरे चैनल के साथ आगे भी बने रहिए।